नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ आज इस लाइव में मेरे सहयोगी सनी सारद मौजूद हैं। सनी सारद संथाल के दौरे पे हैं, लगातार जो है कवरेज जारी है और लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो सनी करके जो है भेज रहे हैं। और द फॉलो अप पे जो है, फॉलो अप झारखंड पे लगातार आप तमाम वो चीजें जो ग्राउंड पे चल रही है चुनाव के दौरान वो देख पा रहे हैं। लेकिन आप मेरा जो आज का लाइव है उसका कैप्शन सबसे पहले आप पढ़ लीजिए और आप ये देखिए और समझिए कि पिछले 3-4 महीने से, जब से हिमंता बिस्वा सरमा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, वो लगातार जो है फ्रंट फुट से खेल रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के नेताओं को वो यह आह्वान कर रहे थे कि आइए आपका स्वागत है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद परिस्थितियां कुछ बदली है और जिस तरीके से भाजपा के एक खेमे में जो नाराजगी दिखी और उसका असर बागी होकर के चुनाव लड़ने तक जो पहुंचा, उस पे अब हिमंता बिस्वा सरमा जो है फिर से एक बार संकट मोचक की भूमिका अदा करते हुए जो है निभाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। कल देर रात तकरीबन 12:30-1 बजे वो गुमला पहुंचे और वहां से जो बागी बीजेपी से बागी होकर के जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था मिसिर कुजू, उनके आवास पे पहुंचे। आज सुबह सुबह कमलेश राम जो बीजेपी से बागी होकर के कांके से जो उन्होंने नामांकन किया था उनके आवास पर पहुंचे। थोड़ी देर पहले की खबर है शाम की कि निरंजन राय जो राजधनवार से बीजेपी से बागी होकर के वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके यहाँ निशिकांत दुबे पहुंचे हैं, उनके पहुंचने की खबर है। इसके पहले एक तस्वीर और एक खबर सबसे पहले उसकी चर्चा कर देते हैं। रविंदर राय जिनको आज झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो चिट्ठी वायरल है और वो खबरें ये थी, चर्चा ये थी कि रविंदर राय भी जो है बागी होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकते हैं। हालांकि इस खबर के बाद उन्होंने इसका खंडन भी किया था, लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं पत्रकारों से ज्यादा उनके सोर्स रहते हैं और वो अपने नेताओं पर ध्यान भी रखते हैं। यही वजह है कि आपको एक तस्वीर देखने को मिली होगी कि रविंदर राय के यहाँ झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ हिमंता बिस्वा सरमा खुद, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान और संभवतः हिमंता बिस्वा सरमा भी उनके यहाँ गए थे, उनको मनाया गया। और देखिए कि चुनाव के बीच में जो है उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो एक तरीके से जो ताकत हिमंता बिस्वा सरमा बीजेपी को आगे ले जाने में लगे हुए थे, अब उनकी ताकत, उनका जो प्रयास है वो दिखाई दे रहा है कि कैसे उन बागी नेताओं को जो है मनाया जाए, समझाया जाए। एक सफलता उनको जरूर मिली है, जैसा कि उन्होंने ट्विटर पे जो अब एक्स हो गया है पोस्ट किया है वीडियो जिसमें वो ANI को बाइट दे रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि मिसिर कुजूर को उन्होंने मना लिया है। लेकिन ये परिस्थितियां सिर्फ इन नामों तक ही शामिल नहीं है, कई ऐसे नाम हैं और हो सकता है कि हिमंता बिस्वा सरमा जो काफी सक्रिय हैं वो बाकी के चेहरों के पास भी पहुंच सकते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है और यही वजह है कि हमने लिखा है कि हिमंता जो है संकट मोचक की भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। इसी मसले पे हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ सनी सरद हैं। इसके अलावे और जो बाकी चीजें जो ग्राउंड पे चल रही है, कौन कहाँ पे जो है किसको टक्कर दे रहा है, कैसी परिस्थितियां बन रही है, संथाल का क्या हाल है खास करके, वो भी बातचीत करेंगे सनी से। लेकिन सबसे पहला सवाल सनी ये है कि हिमंता बिस्वा सरमा जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल जो करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका पूरा एनर्जी जो बीजेपी को चुनाव में आगे ले जाने की होनी चाहिए थी, अभी फिलहाल वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? तब जबकि चुनाव पीक पे है, पहले चरण का नामांकन का अंतिम तिथि भी समाप्त हो गया है,
दूसरे फेज के लिए भी नामांकन चल रहा है, 29 तक चलना है। सनी देखिए, झारखंड में 2024 का जो चुनाव है संजय, वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है और हो रहा है। अब तो चूंकि चुनावी रंग में पूरी तरह से पार्टियां रंग चुकी हैं, हालांकि माहौल आप अभी भी घूमिएगा, कोई भी शहर हो गांव हो, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि 30 दिन बाद जो है नई सरकार बनने जा रही है और चुनाव का माहौल वैसा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से जिस हिसाब से तैयारी कर रही है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग चुका है पूरा झारखंड। बीजेपी, एनडीए और इंडिया दोनों के बीच जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे का खेल चल रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक माना जा रहा था कि बीजेपी एज पर है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से नाराजगी शुरू हुई, नेता खास करके भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से या तो पार्टी छोड़ने लगे या फिर निर्दलीय खड़े होकर नामांकन करने जाने लगे, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को लगा कि अब स्थिति जो है थोड़ी गड़बड़ा सकती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि संथाल परगना की लुइस मरांडी जैसी नेत्री, कुणाल सारंगी, नेश महली जैसे कई ऐसे बड़े नाम है जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिए। और उसी को महसूस करते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने ये कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो ये प्रयास है, उसे तो पार्टी के स्तर पर जरूर ये सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले टिकट बंटवारे के बाद, जब हेमंता बिस्व शर्मा पहली बार रांची पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया कि टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं और वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तब उनका बयान आया था कि जब कभी भी टिकट का बंटवारा होता है, चूंकि हर किसी को टिकट मिल नहीं सकता है, 81 सीट है, उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है, और उसी हिसाब से तो हर को टिकट तो मिल नहीं सकता है और हर किसी की नाराजगी दूर नहीं की जा सकती, ये 1-2 दिनों तक चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा कि इससे पहले झारखंड में जो भी प्रभारी रहे हैं, उन्होंने फोन करके इसके लिए बधाई दी कि पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है। हेमंता बिस्व शर्मा ये मान रहे हैं कि उन्होंने एनडीए को, बीजेपी को झारखंड में एकजुट किया है और इसमें उनका अहम योगदान है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरयू राय, जो 2019 के चुनाव में बागी हुए, उसी सरयू राय को पूर्वी सीट से जो जीते उन्हें पश्चिम भेज दिया गया। आजसू जो नाराज होकर 2019 के चुनाव में अलग चुनाव लड़ा, उसे मनाकर गठबंधन में शामिल करा लेना। जो हुसैनाबाद के विधायक हैं कमलेश सिंह, वो दूसरे दल से थे, उन्हें बीजेपी में शामिल करा लेना, फिर उम्मीदवार बनाना। बड़का गांव से जो रोशनलाल चौधरी हैं, जो आजसू के उम्मीदवार रहते रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल कराना, फिर चुनाव लड़ा लेना। तो इस हिसाब से हेमंता बिस्व शर्मा मान के चल रहे हैं कि जो इसके अलावा जदयू और लोजपा भी, जदयू और लोजपा भी आप देखिए, तो इस हिसाब से वो मान के चल रहे हैं कि जो नाराजगी थी और जो एक एनडीए के भीतर जो लड़ाई थी, उसे सुलझाने में हम कामयाब हो गए। उसके बाद जो ये छोटी मोटी नाराजगी है, वो जिस तरह से घर जाकर मना रहे हैं, कल गुमला गए मिसिर खुजूर के यहाँ, आज कमलेश राम के घर गए, आप देखिए कि कल ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि वो अब से लेकर चुनाव तक रहेंगे और संथाल परगना के सभी 18 सीट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे, जितवाएंगे बीजेपी को, तो उस मुहिम में लग गए हैं। और वो भी आज मनाने के लिए गए थे, जो निरंजन राय, हाँ, निर्दलीय वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो ये बीजेपी के तरफ से प्रयास तो अच्छा है, और मुझे लगता है कि अगर कोई घर का व्यक्ति नाराज हो तो उसे कम से कम अगर ये गुंजाइश है कि मनाने से मान जाए, तो मनाना तो जरूर चाहिए, और वही प्रयास बीजेपी कर रही है। अब धीरे धीरे ये सब सलटा लेने के बाद, तब तक जब तक दोनों ही चरण के नॉमिनेशन का डेट खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये सारी चीजें चलेगी कहीं ना कहीं छिटपुट। अब ज्यादातर जगह जो है ये बातें खत्म हो गई है, उसके बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य दल भी उस रंग में दिखेगा।
मतलब आप ये बोल रहे हैं सनी, ये 29 तारीख तक ये सब चलेगा और 1 तारीख से 1 नवंबर से जो है संभवतः सारी चीजें हो जाए, क्योंकि 31 को दिवाली भी है, तो हो सकता है कि उसमें नेता व्यस्त हो जाएं, आम लोग भी अपने अपने घरों में पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएं। तो 1 तारीख से जो झारखंड की चुनावी राजनीति है वो पीक पे होगी। लेकिन सनी ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं भी उससे सहमत हूं कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हिमंता बिश्व शर्मा ने एक प्रयास तो किया है और वो चीजें होती हुई दिखाई दी, लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो दूसरा पहलू है, चूंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू जो ये है जिसपे तारीफ की जानी चाहिए, दूसरा पहलू ये है सनी कि ऐसे वक्त में जब चुनाव के लिए समय काफी कम है, एकदम से समय नहीं है, वैसे समय में तब जबकि आप ये बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैंडिडेट भी नहीं है, वो कैंडिडेट अगर बोले तो हम और दे देंगे, कांग्रेस और राजद और माले इन सब तमाम दूसरे दलों पे आप हमलावर हैं और यह आप श्योर हैं कि आप सबसे आगे चल रहे हैं, इन जो छोटे छोटे छोटी छोटी जो घटनाएं हैं जो दूसरे लोग नामांकन कर दे रहे हैं बागी होकर के, हिमंता बिश्वा शर्मा देखिए कि एक तो है कि काफी एनर्जेटिक है, रात दिन कल देर रात 1-1.5 बजे तक रहे हैं मिसेज कुजूर के यहाँ, 2 बजे तक मैक्सिमम, और उसके बाद फिर सुबह सुबह कमलेश राम के यहाँ चले गए। तो ये इसका जो दूसरा पहलू है सनी उस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या उनको मन में चल रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी 2-4 हजार वोट भी इधर से उधर हुआ तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं और यही वजह है कि वो परेशान है और उनको ये लगता है कि बागियों के साथ बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी जा सकता है। देखिए, हर एक सीट का वोट जो है वो कैलकुलेटेड है संजय, और जी आज के कैंडिडेट के चयन से लेकर फिर इलेक्शन का कैंपेनिंग तक उसी जी कैलकुलेशन के आधार पर ही तय होता है। किसी के नाराज हो जाने से मतलब नहीं है। आप समझिए कि मीडिया में खबरें चल गई कमलेश राम को टिकट मिलने जा रहा है, इसका मतलब वो मजबूत दावेदार थे, उनका टिकट कटा, उसके बाद वो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उनके घर उनका गए। विरोध हुआ, पार्टी के अंदर विरोध हुआ, तब जाकर के उनका टिकट, अब टिकट कटा तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि घोषणा हुई नहीं थी, हम लोगों ने सूत्रों के हवाले से चलाई थी खबर, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो काफी मजबूत सूत्र हैं और यही वजह है कि फॉलो अप की 99.9% खबरें जो है वो सही हुई हैं, एक आध नाम इधर उधर से बदलाव हुआ है और उस बदलाव को भी आधिकारिक घोषणा से पहले हम लोगों ने जानकारी दी है। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था कि कमलेश राम नाराज हुए, इसके अलावा मिसिर खुजूर और कई लोग नाराज हुए और उनको मनाने की कोशिश की गई और मना भी लिया गया कुछ हद तक। आप देखिए कि ये सिलसिला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। लुईस मरांडी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक खेमा जो जामा विधानसभा सीट से है, जब चर्चा शुरू हुई कि लुईस मरांडी वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं, तब उन्होंने नाराजगी जताई और यही वजह है कि जामा सीट को अंतिम तक होल्ड पे रखा गया। उसके बाद पहले जो जामा के अन्य जो नाराज लोग हैं उन्हें मनाया गया और उसके बाद टिकट दिया गया। आज आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री और इस तरह गणेश महली को भी टिकट देने से पहले सरायकेला के जिला कमेटी को मनाया गया, जैसे जामा की कमेटी को मनाया गया, और मनाने के बाद ही टिकट की घोषणा किया गया। बिल्कुल, गणेश महली जो सरायकेला सीट है वहां की वही स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए कि बिशुनपुर से जो चमरा लिंडा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, चमरा लिंडा जो निलंबित कर दिए गए निलंबित है थे, उन्हें फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो अब चमरा लिंडा को टिकट देने के बाद भी वहां एक नाराजगी थी। आज आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें चमरा लिंडा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और जो नाराज नेता थे बिशनपुर के वो नेता मौजूद है। इसके अलावा आप देखिए कि केदार हाजरा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए, वहां के जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, जिस दिन लुईस मरांडी शामिल हो रही थी उसी दिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई लोग मिले जमुआ के और उन्होंने नाराजगी जताई कि किस तरह से जो है हम लोग प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, लोग शामिल हुए थे। तो नाराजगी तो दोनों तरफ है और मनाने की भी कोशिश जो है पुरजोर कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और ये होनी भी चाहिए। और अब तो जब से और माना ये जा रहा है कि दीपावली के बाद जो है रंग जो है और जमेगा चुनाव का, तो उसके बाद उससे पहले तक ये सारी नाराजगियां दूर कर ली जाए
उसी में दोनों दल, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों जो है वो लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है सनी कि मिसिर कुजूर को लेकर के तो हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा कर दिया, क्या कांके जो रांची से ठीक बगल वाली जो सीट है कमलेश राम, चूंकि मैं जब से हिमंता बिस्वा सरमा और कमलेश राम और बाकियों की जो तस्वीर निकल करके आई, मैं कमलेश राम से संपर्क करने की कोशिश में हूं, उनका नंबर इंगेज आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि कमलेश राम मानेंगे, मान गए हैं, या फिर उनको लेकर के कोई दावा अब तक हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं किया है, अगर मैं अगर उनका सोशल मीडिया अगर खंगालें आप। मुझे लगता है कि मान ही जाएंगे। एक तो हेमंता बिश्व शर्मा खुद गए उनके घर, उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा भी मौजूद थे और बीजेपी के कई नेता जी और कार्यकर्ता। तो ये पार्टियों में नाराजगी फिर मनाना, ये तो चलता रहता है। उनका था कि मैसेज कम से कम पार्टी के आलाकमान तक चल जाए, और चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि उनकी जो खुद की ताकत है वो ताकत दिखाना चाहते थे और पार्टी को बताना चाहते थे कि जो नाराजगी कहकर दिखाया जा रहा है उतनी नाराजगी नहीं है। और ये अक्सर चुनाव में होता है, जो उम्मीदवार के दावेदार होते हैं उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप देखिए कि रांची सीट से ही संदीप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और वो लगातार बैठक कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कई लोग नाराज, और मुनचुन फिर राय, मुनचुन राय, उत्तम यादव, एक बात तो ये तय है, ये ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हो रहा है टिकट बंटवारा हुआ था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से मानकर चल रहे थे कि बीजेपी जी का टिकट का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो ये भगदड़ मचेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए यकीन के साथ कि जितनी उम्मीद थी उससे कम भगदड़ हुआ है, और यही वजह है कि हेमंता बिश्व शर्मा रांची पहुंचते ही कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रभारी हैं वो, क्योंकि माना ये जा रहा था, चूंकि ऑप्शन बहुत था। आप देखिए कि भले ही बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो रीजनल पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, वो विलय कर गई, उसके बाद जो रीजनल पार्टियां हैं यहाँ जेएमएम, आजसू, इसके अलावा कई और जो छोटे दल हाल में बने, ऑप्शन कई था लोगों के पास कि वो उधर जाकर चुनावी मैदान में उतर सकते थे, लेकिन उस हिसाब से भगदड़ मचा नहीं। और यही वजह है कि जो आप जो थोड़ा बोल रहे बहुत, हैं सनी, आप जो बोल रहे हैं, मुझे एक चीज याद आ रही है कि ये जो जेएलकेएम, जो जयराम महतो ने पार्टी बनाई, लोग यह सोच रहे थे कि आखिर में जब टिकटें जो दावेदार हैं उनको नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि जेएलकेएम की तरफ जाए, लेकिन वो चीजें भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या ये माना जाए कि जयराम महतो की जो चार्मिंग थी उसपे कुछ कमी, वो फीका पड़ रहा है? देखिए जयराम महतो पहले तो उन्होंने घोषणा किया, सबसे पहला जो जेएलकेएम के कैंडिडेट का नाम का घोषणा हुआ वो उनका खुद का था कि डुमरी से वो चुनाव लड़ेंगे। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले आपने भी बात की थी तीर्थनाथ अकाश से, उन्होंने कहा कि अब जी बेरमो, मतलब दो सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि अपनी सीट पर भले ही वो मजबूत हो, लेकिन जो प्रभाव उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में छोड़ा था, मुझे लगता है कि उसमें गिरावट आई में कोई शक नहीं है। वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके नॉमिनेशन में भीड़ जुटी, इसमें भी कोई दाग नहीं है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोग उनकी तरफ देख रहे थे और इस चुनाव में उस हिसाब से नेताओं का झुकाव अगर उधर नहीं हुआ तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो जयराम महतो को उस हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि टिकट बंटवारे से पहले जयराम महतो की पार्टी ने एक परफॉर्मा जारी किया था कि कितने पॉइंट मिलेंगे और उस आधार पर टिकट मिलेंगे। मुझे तो उस ठीक पे से, तो बहुत सारे सवाल हैं, उस पॉइंट्स पे तो उन्हीं के पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप देखिए कि कोई झरिया के उम्मीदवार को लेकर के या फिर दूसरे दलों के उम्मीदवार, वो तो ये भी बोले थे कि लोकसभा का जो चुनाव लड़ेगा वो विधानसभा में नहीं लड़ेगा, तो वो तो खुद लड़ रहे हैं। सवाल है कि डुमरी में क्या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है डुमरी को लेकर के, ये वजह है कि वो जा रहे हैं वहां पे, हालांकि आमतौर पे बड़े नेता दो जगहों पे लड़ते हैं और जयराम खुद को बड़े नेता के तौर पे ही मानते हैं। देखिए डुमरी के अलावे दूसरे सीट पर लड़ने का कारण ये है, और ये पहले से ही जयराम महतो मुझे लगता है कि वो बोलते रहे हैं कि वो दो सीट पर लड़ेंगे। एक
सबसे बड़ा कारण ये है कि माना ये जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के डुमरी से उम्मीदवार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो राजू महतो होंगे, लेकिन जी जब सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये खबरें चली कि बेबी देवी उम्मीदवार होंगी और ऑफिशियल भी घोषणा वही हो गया, अब आपने जी कल तस्वीर भी देखा होगा कि सैंबल हेमंत सोरेन ने बेबी महतो को दिया, तो उसके और बाद आशीर्वाद भी लिया। उसके आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये चेंज हुआ, क्योंकि अखिलेश महतो के सामने जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो टिक सकते थे, उस आक्रामकता के साथ बेबी देवी जब खड़ी होंगी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी है, तो वो जी उस हिसाब पाएगा जो डुमरी के उपचुनाव में भी देखने को मिला। अब तक देखिए कि आजसू ने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन उम्मीदवार होगा, इसकी घोषणा शायद अब तक वहां पर नहीं हो पाई है, तब तक एक व्यक्ति जो शायद कोई जायसवाल है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और उसमें जो डिटेल है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दिया है, हालांकि जब सैंपल स्क्रूटनी से पहले जमा करना होगा तो पता चलेगा कि आखिर वो पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं, तो एक मामला उदाहरण तो आपको डाल्टेनगंज में भी मिला है सनी। केएन त्रिपाठी ने पहले नामांकन दाखिल कर दिया, लोग इसको लेकर के मुझे भी फोन कॉल कर रहे थे कि कैसे वो कर दिए कांग्रेस के नाम पर। तो वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नामांकन किया था, सिंबल बाद में मिल सकता है, हालांकि उनके नाम की घोषणा भी हो गई। तो जिन्होंने किया है नामांकन, अगर उनको सिंबल मिलता है तो वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और नहीं तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं, डुमरी में इसलिए सवाल है क्योंकि संजय आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो हेमंता बिश्व शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि आजसू को 10 सीट जा रहा है, उन्होंने शायद ये भी बताया था कि कौन कौन सी सीटें आजसू और कौन कौन सी सीटें जी लोजपा को, तो डुमरी की जी सीट के कोटे में है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वहां से उम्मीदवार देगी। तो अब आजसू के जी पास के ऑप्शन है, यशोदा देवी है, दुर्योधन महतो है, तो अभी शायद विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी। और जो नाराजगी की चर्चा हम लोग शुरू एनडीए से या नेटवर्क महागठबंधन में नहीं, बल्कि ये नाराजगी जो है आप देखिए कि जेएलकेएम के साथ साथ और अन्य दूसरे दलों में भी है। आप देखिए कि जैसे ही आजसू को ईचागढ़ का सीट मिला, उसके बाद कई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर भी पहुंच गए कि आखिर सीट बंटवारा, आखिर उसको फिर जो है सुलझाया गया, समझाया गया। आप अनम्यूट कर लीजिए सनी, आप म्यूट कर चुके हैं। जो नाराजगी का सिलसिला है वो कई पार्टियों में लगातार जारी है, तो अभी आप ये मुझे लगता है कि दीपावली तक ये चलेगा और उससे पहले कोशिश की जाएगी कि इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, इंडिया गठबंधन के तरफ से अब तक मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। मैं जब इलाके में घूम रहा हूँ तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार इंडिया गठबंधन चाहे जेएमएम हो कांग्रेस हो इनका मैनिफेस्टो क्या है, ये किस वादे के साथ जो है ना। एनडीए ने पंच प्रण की घोषणा की है, पांच बड़े जो प्रण है बीजेपी के, एनडीए के, बीजेपी के, उसकी घोषणा हुई है। सुदेश महतो ने भी कहा है कि उनका अपना एक अलग से मैनिफेस्टो होगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वो भी एक प्रण की घोषणा किया है। आपको याद होगा कि ये जो गोगो दीदी योजना, जिसके तहत बीजेपी 2100 रुपया की मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाते हुए और उसका नाम बदल करके उसी को झामुमो सम्मान योजना करके जो है एक घोषणा किया गया है, जिसपे 2500 दिया जाएगा, और संभवतः वो तो कैबिनेट से भी कर लिया गया है, तो दिसंबर से उसकी बातचीत है संभवतः। अब बिल्कुल देखिए ये नेताओं के भाषण में भी यहाँ पर दिख रहा है कि अभी जी तो 1,000 मिल सितंबर से 2,500 मिल रहा है। मैं एक और चीज इधर संथाल परगना और इन इलाकों में फील कर रहा हूँ, मैया योजना के साथ साथ बिजली बिल माफी का भी जो है प्रभाव थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक जो प्रभाव है नौकरी रोजगार को लेकर कि वो सरकार जिस वादे के साथ आई थी वो पूरा नहीं कर पाई, दूसरा आप गांव के इलाके में जाने पर ये पता चल रहा है कि मैया सम्मान योजना अगर मिल रहा है तो वहीं बुजुर्ग महिलाएं खड़े होकर कह रही हैं कि 4-5 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिला है, तो ये एक तरह का वृद्धा पेंशन नहीं प्रश्नवाही मिला।
हाँ, तो दूसरे तरफ से थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो उस हिसाब से मिला जुलाकर अभी चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है। लोग मतलब अभी कांटे का समझ गए मुकाबला होना है। कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। अभी संजय मैं यहाँ अभी गाड़ी पर बैठकर ये लाइव हो रहा हूँ, ये गिरिडीह का मुख्य चौक है। आपसे बातचीत ये लाइव जुड़ने से पहले मैं यहाँ के पब्लिक रिएक्शन और पब्लिक ओपिनियन ले रहा था। गिरिडीह के लोग जी खुलेआम बोल, गिरिडीह में इस बार कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। और दूसरा है कि कहीं ना मतलब कहीं सुदीप जो सुदीप सुदीप सोनू की राहें मुश्किल है, इसका मतलब वहां पे गिरिडीह में क्या बोल रही है जनता, इस बात मेहनत से करना बिल्कुल होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुदीप सोनू की राहें मुश्किल है। और सुदीप सोनू उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि गांडे में जब उपचुनाव था तो सुदीप सोनू ही जी के कल्पना सोरेन को साथ में लेकर घूम रहे थे, और गांडे का भी चुनाव संजय उस हिसाब से थोड़ा सा दिलचस्प हो गया है। आप समझिए कि उपचुनाव में पूरी सरकार चुनावी मैदान में थी, और अब जो है कल्पना सोरेन, मैं उनके कैंपेनिंग में भी था, मुनिया देवी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं उनके भी कैंपेनिंग में था आज आधा आधा दिन दोनों के तरफ। तो उन इन दोनों के जो कार्यक्रम में जो कुछ भी दिखा उससे लग रहा है कि मुकाबला उधर भी है, क्योंकि आप देखिए कि गांधे में भी उपचुनाव मुकाबला है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 24,000 के आसपास से वोट से कल्पना सोरेन चुनाव जीती थी, उसमें उस वक्त दिलीप वर्मा कैंडिडेट थे। दिलीप वर्मा उतना जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कैंपेनिंग नहीं कर पाए थे, कल्पना सोरेन के साथ पूरी सरकार खड़ी थी, कल्पना सोरेन के साथ सुदीप सोनू खड़े थे, कल्पना सोरेन के साथ सरफराज खड़े थे। लेकिन अभी सुदीप सोनू खुद का जो जमीन है उसे बचाने में लगे हैं, इसलिए उधर समय नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात कि कल्पना सोरेन इतने कम समय में इलाकों को जितना समझ पाई है उस हिसाब से मेहनत कर पा रही है। कई लोग जो इस खासकर बार गांडे कैसे वो हाँ प्रचार कर रही हैं? पिछली दफा मैं कवर कर रहा था सनी, वो छोटी छोटी सभाएं कर रही थी हर गांव कस्बे में जा करके। इस बार क्या तरीका बदला, क्योंकि अब तो विधायक रही, राजनीति में अब लोग उनको सुन भी रहा है। बिल्कुल, लेकिन तरीका तो वही है। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ कल्पना सोरेन का नहीं बल्कि जो भी प्रत्याशी हैं उनका एक रूट मैप बनता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाना है और इस दौरान कहाँ कहाँ रुकना है, किन लोगों से मिलना है, तो उसी हिसाब से कार्यक्रम तय हो रहा है। अपनी बातें वो बता रही हैं कि इतना जो अल्प अवधि था और 1 महीना पहले जी चुनाव हुआ तो 1 महीना और मेरा कट गया, उसमें क्या वादे किए थे, महिला के लिए कॉलेज का वादा किया था तो वो कैबिनेट से कैसे पास हो गया, और इसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं, तो उन वादों को जनता को बता रही हैं। लेकिन गिरिडीह में जो है मुकाबला बहुत मतलब कड़ा है, अगर गांडे को थोड़ा देर के लिए छोड़ मुनिया दिया देवी जाए। के बारे में भी बताइए सनी, मुनिया जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। अचानक से मुनिया देवी का नाम आया बाद में, जब वहां के जो हमारे साथी हैं विनय, वो जब स्टोरी करके लाए, उनका इंटरव्यू करके लाए, तब हम लोग पहचान पाए कि यही मुनिया देवी हैं। मुनिया देवी कैसे प्रचार प्रसार कर रही हैं, चूंकि फोकस तो उनपे भी होना जरूरी है। कल्पना मुर्मू सोरेन के सामने वो चुनाव लड़ रही हैं, तो मुनिया देवी का क्या बैकग्राउंड है, कैसे वो कैंपेनिंग कर रही है, उनसे क्या बातचीत भी हुई आपकी, और अगर बातचीत हुई तो क्या हुई, 2-4 मिनट में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, मुनिया देवी जिला परिषद की अध्यक्ष पहले भी रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, और उसके बाद पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और उम्मीदवार उन्हें इसलिए बनाया गया, इस बार दिलीप या जेपी वर्मा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि कल्पना सोरेन के सामने एक महिला उम्मीदवार देने की जरूरत थी, चूंकि कल्पना सोरेन महिलाओं से जिस हिसाब से कनेक्ट कर रही हैं उस हिसाब से कोई महिला आकर कनेक्ट करे। मैं सेकेंड हाफ में मुनिया देवी के साथ भी था, तो मैं यही देख पा रहा था कि वो जिस हिसाब से कल्पना सोरेन संथाली इलाकों में संथाली भाषा में लोगों को संबोधित कर रही थी, उसी तरह मुनिया देवी जो खोरठा भाषा में अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, वो ये कह रही थी कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, आपको समस्या होगा तो मैं यहाँ मौजूद रहूंगी। कल्पना सोरेन रांची से आई हैं, यहाँ आकर चुनाव लड़ रही हैं। एक बाहरी और स्थानीय का जो मुद्दा है, ये मुनिया देवी के मैं जितना कैंपेनिंग कर पाया, वो जितने लोगों को बोल रही थी वो एक बनाने की कोशिश कर रही हैं।
इसके अलावा मुनिया देवी जिन लोगों से मिल रही थी उन लोगों से भी मैंने पूछा कि क्या आपको मैया का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाभ उन्हें मिल रहा था, लेकिन कैंपेनिंग चूंकि चलता है और कैंपेनिंग चलने के दौरान नेताओं के सामने लोग उसी हिसाब से बोल पाते हैं। तो अब माप दिलचस्प है और खास करके गिरिडीह और गिरिडीह के आसपास के इलाके जितने विधानसभा सीट हैं उसमें तो और मुकाबला दिलचस्प है। कल बाबूलाल मरांडी जी का भी नॉमिनेशन है। सनी, एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, इसके बाद लाइव समाप्त कर देंगे और इस टॉपिक पे एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। जैसे मुनिया देवी को कोट करते हुए जो आप बात एक बता रहे थे कि वो कैसे बता रही हैं कि वो यहाँ की लोकल हैं गांडे की, और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है बाहर की हैं, तो अब आप देखिए कि स्थानीयता का जो परिभाषा है और जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे माइक्रो लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग तरीके की बातचीत हो रही है। थोड़ी देर पहले जब मैं तीरथनाथ आकाश जो पत्रकारिता कर रहे थे अब बेरमो से चुनाव लड़ेंगे वो लाइव में थे मेरे साथ जुड़े हुए, वो जयराम महतो को बाहरी बता रहे थे। अब देखिए कि जयराम महतो बाहरी और भीतरी का जो इशू है झारखंड में काफी सेंसेटिव मसला है और नीतिगत मसला है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में जैसे इस्तेमाल किया जाता है सनी, अब देखिए कि उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा के तहत जो है जयराम महतो भी बाहरी हो गए हैं। तो बेरमो में बातचीत हो रही है कि भाई वहां का तो लोकल बेटा कौन है, तो बोला जा रहा है तीरथनाथ आकाश का दावा है कि वो है लोकल, जयराम कहां से लोकल हो गए। तो चीजें इस तरीके से हो रही है सनी, क्योंकि बाहर है गिरिडीह में है, नेटवर्क कभी आता है कभी जाता है। सनी, आप अब तक इस लाइव में जुड़े रहे इसके लिए आपका शुक्रिया। लाइव काफी लंबा हो रहा है, पब्लिक रिएक्शंस ज्यादा हम लोग अब लगाने की कोशिश करेंगे। 29 तक तो जो नॉमिनेशन का दौर है वो चलेगा, फिर हम लोग भी ग्राउंड पे रहेंगे, आप तो हैं ही, तो आप बने रहिए इस लाइव में। आपकी बातें पहुंच गई थी और आपने बिल्कुल कायदे का सवाल उठाया कि आप समझिए कि कैसे माइक्रो लेवल पर जो रेसिडेंशियल का भाषा है वो जो है वो बदलते जाता है, लेकिन इसका फायदा दोनों है। आप समझिए कि जो लोग को लेकर इतने आवाज उठा रहे थे आज खुद वो दूसरे जगह जाकर इससे उन्हें जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो अपने अपने हिसाब से मुद्दा बनाने का मामला है, लेकिन मेन मुद्दा मैं जो फील कर पा रहा हूँ इस चुनाव में ये है कि 5 साल में क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ नहीं हो पाया, क्या कुछ हो जाना चाहिए था। दूसरा है कि उनके सामने जो है मुद्दा तो यही होना चाहिए था ईमानदारी पूर्वक। नहीं, वही मुद्दा है, अब ये मुद्दा आने जाने में ये खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ज्यादा फोकस लोगों का उसी पर है कि आखिर कैसे उनके इलाकों में जो है स्वास्थ्य का की व्यवस्था जो है वो बेहतर हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था है वो बेहतर हो जाए। गिरिडीह के लोग अभी बता रहे थे कि नली गली और सड़क से जो है अब ऊपर की थोड़ी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अभी भी लोग जो है ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करके, बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि आज ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किए आजादी के इतने वर्ष बाद भी, तो बहुत जो पॉलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए, मुद्दे आधारित होना चाहिए, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। लेकिन अब लोग उस हिसाब से सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसी हिसाब से अब जो उनके सामने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनका चयन किया जाए। बिल्कुल सनी, आप ठीक बोल रहे हैं और गिरिडीह के लोग भी ठीक बोल रहे हैं। पता नहीं सर्वनाक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करता हूं। मैं यह जरूर बोलूंगा कि यह चिंता की बात है कि हम लोग 75वें वर्ष में हैं आजादी के, और अब भी हम लोग बेसिक चीजों की बातचीत तो छोड़ दीजिए, हम लोग वही बाहरी भीतरी जाति धर्म रंग इन्हीं सब के आधार पे जो है हम लोग अब तक वोट करते आए हैं। पार्टी का झंडा, पार्टी का बैनर, पार्टी का रंग, यही सब मायने रखता है। अभी तो हम लोग बेसिक मसलों पे भी बात नहीं कर रहे हैं, सड़क नाली शिक्षा स्वास्थ्य इन सब पे तो पहले आ जाएं। गिरिडीह में जो आप लोगों आपके पास जो अपना तर्क रख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि ये कब तक हम लोग करेंगे, लेकिन बेसिक चीज पे तो बात ही नहीं हो रही है, कौन क्या बोल रहा है। अभी देखिए 2 दिन से यही चल रहा है कि इरफान अंसारी ने क्या कह दिया, अब उस पे अगला का सफाई आ रहा है, बीजेपी उस पे ये कर रही है, लोग भी उसी में उलझे हुए हैं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए।
असल मुद्दे गायब है और नेता बहुत चालाक है, समझते हैं इसी तरीके का बयान देकर के निकल जाइए, 1 महीना में तो तुरंत चुनाव निपटा दिया जाएगा। बात बाकी फिर 5 साल इंतजार करना है कि ठीक है 5 साल बाद फिर सबक सिखाएंगे, 5 साल बाद फिर वही होगा जैसे पिछले 70, 74, 75 सालों से हो रहा है। तो सनी आपका शुक्रिया, हम जरूर कोशिश करेंगे कि रोजाना हम लोग लाइव आए और जो असल मुद्दे हैं उस पर डिटेल्स में चर्चा भी की जाए। शुक्रिया आपका।